देश भर में चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे। पिछले साल मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। आज इसी की पहली बरसी है। कांग्रेस ने इस मौके पर किसान समृद्धि संकल्प रैली का आयोजन किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी उसके 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल की रैली राजनीतिक रूप से भी अहम बताई जा रही है। राहुल की रैली से पहले ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोगों को वहाँ पर आने से रोका जा रहा है। पीड़ित किसानों को धमकी दी जा रही है कि अगर वो राहुल गांधी से मिलने गए तो उनकी दी हुई नौकरी छीन ली जाएगी। SPN नैनीजरूम की रिपोर्ट।